जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्ग मालिकां डमड्ड मड्ड मड्ड मड्निनाद वड्ड मर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवं शिव शिवं शिवं। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे आयुर्वेद के हिसाब से कि किस महीने में क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम इंग्लिश वाले महीने पकड़ते हैं, तो हम पहले पकड़ते हैं जनवरी को। जनवरी के महीने में जो धनिया है, धनिया नहीं खाना चाहिए। जनवरी के महीने में मिश्री भी नहीं खाना चाहिए। अब आते हैं फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में मिश्री नहीं खानी चाहिए। तो जनवरी और फरवरी दोनों महीने में मिश्री नहीं खाना चाहिए, पर जनवरी में खास करके धनिया नहीं खाना चाहिए। अब है मार्च। मार्च के महीने में चना नहीं खाना चाहिए और मार्च के महीने में गुड़ भी नहीं खाना चाहिए, पर अप्रैल के महीने में भी गुड़ नहीं खाना चाहिए। और अप्रैल के महीने में गुड़ समझ लिया, अगर खाया भी तो हल्का फुल्का, अगर खा लिया तो खा लिया, नहीं तो गुड़ नहीं खानी चाहिए। अब मई का महीना। मई के महीने में नया तेल जो होता है, नया तेल नहीं खाना चाहिए अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में तेल और तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। मई का जो महीना होता है वो क्या गर्मी काफी होती है, तो उस वक्त तला वाला ये सब अवॉइड करें तो अच्छा है। अब है जून का महीना। जून के महीने में एक ही चीज अवॉइड करना चाहिए और वो है दोपहर में चलना। दोपहर में बिल्कुल नहीं चलना चाहिए जून के महीने में। जून के महीने में गर्मी का जो प्रकोप है बहुत ज्यादा रहता है, तो ज्यादा घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये बात मई के महीने पे भी लागू होता है जो नॉर्थ के जो साइड है। तो मई के महीने में तेल की भुनी हुई चीजें भी नहीं खानी चाहिए और गर्मी का प्रकोप चूंकि ज्यादा होता है तो बाहर भी नहीं घूमना चाहिए। फिर है जून। जून में हरी सब्जियों के सेवन से बचिए। दोपहर में अननेसेसरी चलने के अलावा हरी सब्जियों से बचें। फिर है जुलाई। जुलाई में भी आपको हरी सब्जियों से बचना है और साथ ही दूध और दूध से बनी चीजों के साथ ही हरी सब्जियां भी नहीं खाएं। जुलाई के महीने में पका बेल नहीं खाना चाहिए, यह भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में साग नहीं खाना चाहिए। अगस्त के महीने में दूध और दूध से बनी चीजों के साथ ही हरी सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। अगस्त के महीने में इन दो महीनों जो होते हैं उसमें छाछ, दही, पनीर, कोई भी दूध से बनी चीज को आप अवॉइड कीजिए। सितंबर तक आपको दही नहीं खानी है। सितंबर माह में करेला भी वर्जित माना गया है। और सिर्फ सितंबर में नहीं, आप अक्टूबर के माह में भी करेले को आप अवॉइड कीजिए। तो अक्टूबर माह में करेला नहीं खाना है। अब है नवंबर। नवंबर माह में जामुन नहीं खाना चाहिए। तो दही और दही से बनी चीजें भी आपको नवंबर में नहीं खाना है। आप नवंबर के बाद चालू कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नवंबर में क्या ठंड वगैरह शुरुआत हो जाती है, तो दही अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब है दिसंबर। इस समय भोजन में जीरे का उपयोग नहीं करना चाहिए दिसंबर के टाइम पे, बिल्कुल नहीं। और साथ ही आप दिसंबर में आप धनिया भी अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि धनिया की प्रवृत्ति ठंडी मानी गई है और सामान्यतः इस मौसम में जो ठंड होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से भी धनिया को आपको परहेज करना है। एक दोहा है, चैत चना बैसाखे बेल, जैठे शन असाढ़े खेल, सावन हर्रे भादो तिल, कुमार मास गुड़ से वैनित, कार्तिक मूल अघन तेल, पूस करे दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठनित प्रात निहाए।
तो ये एक दोहा है। अब एक मैं दोहा आपको और बताऊंगा, और वो दोहा है जो बड़ा ही अचूक लिखा हुआ है, और वो दोहा है बड़ा ही कामयाब दोहा है, जिसे लोग हमेशा कहते हैं, चौथे गुड़ बैसाखे तिल, जेठ के पंत अषाढ़े बेल, सावन साग भादो मही, कुमार करेला कार्तिक दही, अघन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, जो कोई इतने परिहरे, तागर बैद पैर नहीं धरे। तो ये है उसका ये। तो भाई ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब भाई क्या खाएं ये मैं आपको बता देता हूं। तो भाई जनवरी फरवरी में आप खिचड़ी खाइए, ज्यादा घी डाल के चलेगा। फरवरी और मार्च जब हो तो घी खाइए, खिचड़ी खाइए, सुबह जल्दी नहाइए, सब फायदेमंद चीज है। मार्च अप्रैल में चना का सेवन करें, और अप्रैल मई में बेल खाइए। मई और जून, इस माह में पर्याप्त नींद लेना अति आवश्यक है, अन्यथा इसका बुरा प्रभाव आपको झेलना पड़ सकता है। जून और जुलाई में आप जम के व्यायाम कीजिए, खेलना कूदना जितना हो सके आप कीजिए। जुलाई और अगस्त में अरहर का सेवन करें, और जब अगस्त सितंबर हो जाए तो तिल खाइए, क्योंकि तिल गर्म होता है। सितंबर अक्टूबर में गुड़ का सेवन करें, बहुत फायदेमंद रहेगा। और अक्टूबर नवंबर में मूली खाइए। नवंबर दिसंबर में तेल से बनी हुई चीजें आप खा सकते हैं। और जब दिसंबर जनवरी आ जाए तो नियमित रूप से दूध अवश्य पिए, साथ ही एक सेब जो है आप प्रतिदिन खाएं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये मैंने आपको महीने वाइज बता दिया कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ऊपर जो मैंने बताया आपको, चौथे गुड़ बैसाखे तेल, जेठ के पंत अषाढ़े बेल, सावन साग भादो मही, कुमार करेला कार्तिक दही, अघन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, जो को इतने परी हरे, ता घर बैद और नहीं धरे। मतलब चैत माह में गुड़ खाना मना है, बैसाख माह में नया तिल लगाना मना है, जेठ माह में दोपहर में चलना मना है, अषाढ़ माह में पका बेल नहीं खाइए, सावन माह में साग खाना मना है, भादो माह में दही खाना मना है, उसका कुवार माह में करेला खाना मंगा है, कार्तिक माह में बैगन और जीरा खाना मना है, माघ माह में मूली और धनिया खाना मना है, और फागुन माह में चना खाना मना है। हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेसर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स, जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू।